आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, यदि एक खोखले उत्तलाकार कांच में पानी भरकर इसे पानी में रख देते हैं तो लेंस कैसे व्यवहार करेगा। हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है कांच की प्लेट की भांति और डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण की भांति। ठीक है, तो देखो ये कोई हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, उसे कांच में रख दिया है। ठीक है, तो ये देखो ये कोई हमारा उत्तल लेंस होगा। देखो खोखला है तो मतलब इसका अंदर का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर की तरफ होगी। ठीक है, इसके अंदर का काट दिया है तो केवल कहां कांच कहां पे लगा हुआ है, केवल इसी जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझो, इसमें क्या हो गई, चार तरफ हो गई। देखो चार वक्राकार सतह हो गई, एक दो तीन और एक चार, चार वक्राकार सतह हो गई। सबको अलग अलग बना लेता हूं मैं। ठीक है, तो इस वाले को काट के मैं ऐसे बना लेता हूँ, इस वाले इससे को, इस वाले को ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो इस वाले को मैंने बना दिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाली त्रिज्या होगी आर वन, ये होगी आर टू, ये होगी आर थ्री, ये होगी आर फोर, है ना, ये होलो खोखला हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें देखना है कि ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, वन अपॉन एफ, इसकी फोकस दूरी मान लेता हूं मैं एफ वन और इस वाले की मान लेता हूं एफ टू। ठीक है, इसकी मान ली मैंने एफ वन और इसकी मान ली एफ टू। ठीक है, तो देखो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, वन बटे एफ वन बराबर म्यू, किसका, जी का, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, क्योंकि सब पानी में रखा हुआ है तो पानी के सापेक्ष। ठीक है, म्यू माइनस वन, वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू। ठीक है, ये तो लेंस मेकर सूत्र लगा दिया हमने इस वाले इसके लिए। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा वन बटे एफ टू बराबर वही म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू माइनस वन और वन बटे आर थ्री माइनस वन बटे आर फोर। ठीक है, अब देखो चूंकि ये एक पतला लेंस है, उत्तल लेंस है, तो ये बहुत पतला होगा, तो ये जो मोटाई है बहुत कम होगी, ये मोटाई कम होगी तो ये दोनों आर वन और आर टू का मान क्या होगा, लगभग बराबर होगा। अगर ये बहुत पतला होगा तो ये आर वन और आर टू का मान क्या होगा, बहुत बराबर होगा। तो पतले लेंस के लिए क्या होता है, आर वन बराबर आर टू, ऐसे यहां पे ये भी तो पतला ही होगा, ये बहुत पतला होगा तो आर वन और आर थ्री और आर फोर का मान क्या होगा, बराबर होगा पतले लेंस के लिए। ठीक है, तो अगर आर वन और आर टू का मान बराबर है तो ये पूरी राशि क्या हो गई, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू क्या बराबर हो गई, तो ये जीरो हो गई, तो यहां से एफ वन का मान क्या आ गया, अनंत आ गया। ऐसे ये वाली राशि जीरो हो गई तो वन अपॉन एफ बराबर जीरो, तो एफ बराबर क्या आ गया, तो एफ टू बराबर क्या आ गया, अनंत आ गया। ठीक है, तो दोनों का मान क्या आ गया, अनंत आ गया। तो अनंत का मतलब क्या होता है, देखो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा नहीं, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस पूरी धनात्मक होती है, ये तो अनंत आ रही है। ठीक है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ये तो अनंत आ रही है। कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा और डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण की तरह। तो देखो दर्पण की तरह तो व्यवहार करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि दर्पण का क्या काम होता है, प्रकाश को परावर्तित करना, ये परावर्तित तो नहीं कर रहा है, ये आने वाले प्रकाश को आगे की तरफ भी भेजेगा, इसलिए परावर्तित तो नहीं करेगा, तो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार नहीं करेगा। कांच की प्लेट, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि देखो कांच की प्लेट होती है, अगर उस पर ऐसे करके प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, ठीक है, तो वो ऐसे जाएगी और ऐसे करके चले जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, परावर्तित नहीं करती है, तो हमें यही चाहिए परावर्तित नहीं करें, और फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या आएगा, सही होगा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।